हेलो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर यहाँ पर देखिए तीन पॉइंट्स है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जहाँ पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे जो होल नंबर होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे और नेगेटिव वाले भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, वहाँ पर जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्यू है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए जीरो के इक्वल। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो ये पूछ रहा है कि अगर रेशनल नंबर है तो क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है क्योंकि और क्यू जो है वो इक्वल नहीं है जीरो के। तो देखिए, जीरो को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/6 लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे क्यों लिख सकते हैं? तो दोस्तों, इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये सब का जो ये सब जीरो के इक्वल होंगे। क्योंकि देखो, अगर हम इस यहाँ पर देखते हैं ना, तो अगर हम 0/1 को सॉल्व करें, मतलब 1 को अगर 0 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पर अगर हम 0 से 3 को डिवाइड करें कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो मतलब सब केसेस में यहाँ पर 0 आएगा, इसीलिए हम 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। केवल डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पहले से ही गिवन है कि क्यू में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर है और जो क्यू है वो क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया हमने, जहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर है क्या? हाँ, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तीसरी बात हमारी, क्या क्यू इक्वल है 0 के? नहीं, क्यू तो सब में अलग अलग है और 0 के इक्वल तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0 कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म तो देखिए, यहाँ पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 0 को। हम ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं देयर फॉर 0 इज अ रेशनल नंबर। काफ़ी इजी सवाल है ना। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया हो। जिसको समझ में नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को या फिर आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारी यूट्यूब चैनल में मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए, बाय, गुड बाय।